दिया हो बचाओ फैन की लोड़ी साथ। अरे आप गिलाफ चेहरे के जल्दी आओ, पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब है। आराम बस करो, सिचुएशन समझो यार। आगे मैं आ गया, पुश करो जल्दी, चिल्ला मत, जोर लगा, पुश कर। नहीं मैम ऐसे नहीं होगा, आपको एक बात बताता हूँ, मैं साइड में आओ, इसके सामने नहीं बताऊंगा। डंडा लगा दो आप पेट पर, यही इलाज है। मैं डंडा लेके आता हूँ मैम। अब लगाऊ मैम, अब लगाऊ। डंडा ही टूट गया क्या, लोहे के बच्चे क्या है मैम? ये किस्तों के बालक है ये, जाने खाका से आ जाती है मुंह काला करा। मैम और कोई हथकंड अपनाओ, अब ऐसे नहीं होगा ये, ऐसे तो करते ही रहो चाहे पूरी रात ही बच्चे यहीं मर जाएंगे। लोहे की राड़ लिया जा, यही करना पड़ेगा। जाओ अपने पास से आखिरी ऑप्शन यही है, मैं लेके आता हूं। जाओ जल्दी। अरे आप जल्दी आओ लोहे की राड़ लेके यार। आ रहा हूं बस मैं। मैम पकड़ो, बहुत भारी है, यहां से पकड़ो मैम। अब लगाओ, एक दो तीन, एक दो, एक दो तीन। मैम आपका बच्चा आखिरकार हो ही गया, लड़का हुआ है, लड़का हुआ है वो तो मेरे को पता है। ये साले किस्तों के बालक है, तो चलते हैं आप, तो गिरफ्त उतार दो ये। सिटी भाई अपनी सारे पंटरों की दरोगा ने ले रखी है, अब दरोगा को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। यारे कौन मारेगा, किसमें इतना दम, तू मारेगा या फिर ये अपने पंटे लोग मारेंगे, कौन मारेगा? अबे ये रंडियों को झुंड में मर्द मिल गया रे। मेरा नाम नहीं पता, मैं नाम बता क्या तू? तुझको मेरा नाम नहीं पता ना, मेरा नाम रोकी है। उस पुलिस वाले को क्यों मारा है? अगर गुंडे को मारूंगा तो पुलिस वाला ढूंढेगा, और पुलिस वाले को मारूंगा तो तेरा जैसा भाड़ू ढूंढेगा। बात करने की तमीज नहीं है यार कासिम, ये बेंचुत, इसको बात करने की तमीज सेगा, संस्कार सेगा, इसको लेके जा यार। चल रे चल। Oh no! मेरे बाप ने मुझसे बोला था कि तूफान से दूर भागना चाहिए, पर आज इस भोसड़ी वाले तूफान को ही मैंने लटका दिया। आज मेरा बर्थडे है, इसकी मुझको दोनों आंखें और इसके नीचे के गोटे, इनसे मेरे को कंची खेलनी, और साथ में इसकी जुबान भी चाहिए, बहुत लपर लपर बोलता है ये। जा लेके आ। ठीक है भाई। ओह नो, तेरी बहन की तेरी बहन के लोला, तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं है? अरे साले वो बाप भाई नहीं, माँ बहन होता है वो। मार दे।
क्या हुआ बे रोकी, डर गया? चल मैं इतना भी नामर्द नहीं हूँ जो तू तो बिगड़ हथियार के और मैं गन से। आ जा वन बाई वन करते हैं हाथ से। ओके डन। गरुड़ा को मारने वाला हथियार मिल गया। ये पठान। हाँ भाई। कुछ लोग 10-12 लुक के लोगों को ठोक कर डॉन समझने लग रहे। अगर सेट्टी के खत पर पिन कोड ना हो तो वो जब भी घर पर आ जाता है, पता है क्यों? हाँ पता है ना, तेरी बहू की सेटिंग चल रही है डिलीवरी बॉय से। पूरे मोहल्ले में चर्चे है उसके। ये चाचा भी सारे दिन घूमता है, फील्डिंग लगाता डोलता है। वो संभाल तेरी बहू को। कौन है रोकी? ये रहा। तुम्हें बेंगलोर में एक काम करना है। क्या काम है? एक हाथी का शिकार करना है। अगर उस हाथी को तुमने मार दिया तो पूरी मुंबई तेरी। ठीक है, मैं कल बेंगलोर आ रहा हूँ। कल बेंगलोर मिलेंगे। ए पठान। हाँ भाई। मैं 10-12 लुखे लोगों को मारकर डॉन नहीं बना। मैंने जिनको भी मारा है वो सब डॉन ही थे। हाँ, मैं जानता हूँ यार ये कैसा है। छिछोरा एक नंबर का रांडी बाज है साला। मैं डॉन बन गया। घंटा को डॉन है तू? ओह नो। सेटी समझा ले इसको, नहीं यही गांड में घुस पर दूंगा। ये पिट जाएगा मेरे हाथों से, सारा रो की बाहर निकाल दूंगा मैं इसका। मैं जा रहा हूँ बैंगलोर पे, काम मिल गया। तुम तुम्हारी इस करो। अच्छा तो तू है रोकी जिसे गरुड़ा को मारने के लिए बुलाया है? तू बात कम कर और ये बता कहाँ मारना है उसको। गरुड़ा को मारना इतना आसान भी नहीं है जितना आसान तू सोच रहा है। मुझे मेरा काम मत सिखा। जितनी भी नई दुकानें बनी है वो सारी गरुड़ा के लोगों की है। अगर गरुड़ा की कोई फोटो है तो देकर जा। फोटो की जरूरत नहीं है, गरुड़ा के आते ही लोगों में दहशत फैल जाएगी। चलो तो ठीक है, कल मिलते हैं मंत्रिमंडल में। जब मैं 5 दिन तक जूते पॉलिश करता था, जब जाकर मुझे एक जीमल नसीब होती थी, और मैं तुम्हारी तड़प को तो अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ। हो गया तेरा पूरा डायलू, ये गंदी खा के किसको डरा रहे तू? असला बेटा मैं भी रखती हूँ ये देख, जो भी देसी। चाहती तो मैं भी डरा सकती थी इनको, पर मैं यूं ही सोच रही थी ये नीचे हुई पड़ी हुई बीमल उठाऊ या नहीं उठाऊ। क्यों? क्योंकि गंदी हो गई इसलिए। और ले लौड़ी तू ही खा ली इसको, बीमल को। भिखारी साला, मेरे को पता था तू बीमल लेने आया, नीचे दिख गई तेरे को पड़ी हुई। साला भलाई का तो कोई जमाने नहीं।
दा फोटा फूट गया। सोचो भोसड़ी के फाड़ के डाल दूंगा अगर वापिस टांग लगाई तो। कभी कभी फरिश्ते के रूप में शैतान भी मिल जाते हैं, भूल तो नहीं गए मुझे। मेरा बाप तुम लोगों पर बेइंतहा विश्वास करता है, आज मैं उसी विश्वास को यहाँ जिंदा रखने के लिए आया हूँ, नहीं तो मुझे कोई जरूरत नहीं है रंडी रोना करने की। रंडी निकली है इसमें से तो। मैं तेरे को रंडी लग रही हूँ। तो दूर जरीना भेद मत खोल, यहाँ सबके सामने सब खड़े हैं। यहाँ मैं ड्राइवर बुला रहा हूँ और ड्राइवर के साथ तो दिल्ली जा, वही बात करेंगे। यार भेद मत खोल, ए लेके जा इसको, लेके जा मेरा आ रहा हूँ। मेरी सबके सामने इंसल्ट करी, आना मत रात को मेरे साथ। किस मादर चोद ने आके अरेंजमेंट करा था, कौन था वो, ये जरीना को किसने बुलाया था यहाँ पर? यहाँ मूर्ति रखने की बात हुई थी, जो भी मेरा स्टैचू बनता, पर जरीना को लाके खड़ा कर दिया यहाँ पर। कौन था वो, जल्दी हाथ ऊंचा खड़ा करो। कोई बात नहीं, बाद में पता चला लूंगा। मेरे को मारने आया था ये, शकल देखो जैसे शकी शकों में पैदा हुआ हो। ये चश्मा उतार, नीचे चश्मा उतार। गांड फट रही है अब, जस करनी तस भोगन दाता, और गांड फटी तो क्यों चिल्लाता। हो रहा है अब इनका सबों का मुंह, जो जो मारने आए थे मेरे को। चलो जाओ, छोड़ दिया मैंने तुमको, चलो निकलो, चलो 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 फिरियो, चलो फटाफट गाया अब। वो हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता, जरूर उसकी कोई ना कोई चाल है इसमें। यही तो मैं सोच रहा हूँ, वो मुंबई वाला कहाँ है? उस साले रॉकी ने यहाँ लाके फंसा दिया हमें, अब हमें यहाँ से निकालेगा कौन? एंजॉय कहाँ गायब होगा?